देख तेरे पार्टी की हालत क्या हो गई नेता, कितनी बदल गई जनता, कितनी बदल गई जनता। जी हाँ दोस्तों, ये गाना सुनकर आपको कुछ अटपटा जरूर लग रहा होगा। बहरहाल मैं धनंजय पांडे जय हिंद समाचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, ये गाना आपको बड़ा अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन ये वीडियो देखिए। बेरोजगार मुक्त भारत का निर्माण कीजिए, मगर आप कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार से देश में कारोबार छोटे मध्यम उद्योगपति, छोटे मध्यम दुकानदार जिस तरह से गलत जीएसटी के कारण अपने कारोबार को खत्म कर दिया है, इन लोगों ने जिस तरह से ये छोटे कारोबारी संघर्ष कर रहे हैं। दर्शकों, वीडियो में आपको दिख रहा है कि एक नेता भाषण दे रहे हैं, मंच पर कुछ लोग हैं, आसपास कुछ कुर्सियां हैं और उन कुर्सियों पर भी कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन इसके अलावा कैमरा दूसरी दिशाओं में जब घुमाया जा रहा है लोग नहीं। एक ज़माने में इस पार्टी ने देश पर राज किया था। जहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है वो रिसड़ा का NS रोड है, गांधी स्टेच्यू के पास ये प्रोग्राम हो रहा है। देखिए, जिस पार्टी के कई काउंसिलर रिसड़ा में रहे हों, जिस पार्टी का इस क्षेत्र से विधायक हो एक ज़माने में, जिस पार्टी ने इस क्षेत्र को सांसद दिया हो एक ज़माने में, देखिए आज उस पार्टी की हालत क्या हो गई। दरअसल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक पथ सभा का आयोजन कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ, जैसे हमेशा विरोधी दल बोलते हैं वैसे उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। माइक बज रही थी, लोगों के घरों में आवाज़ें जा रही थी, शायद लोग अपने घरों में बैठे बैठे ही इन नेताओं के भाषण सुन रहे हैं। कहते हैं दोस्तों कि कालचक्र के आवर्तन में कोई कभी ऊपर रहता है तो कोई कभी नीचे। आज कांग्रेस पार्टी की हालत भी लगभग वैसी ही हो गई। सोचने का विषय है, एक ज़माने में जिस पार्टी ने देश पर राज किया हो, शहरों में उसके चेयरमैन रहे हों, काउंसिलर्स रहे हों, विधायक रहे हों, सांसद रहे हों और सबसे बड़ी संख्या में रहे हों, हर राज्य में रहे हों, आज उस पार्टी की ये हालत हो गई। क्या कारण रहे हों? कांग्रेस को आत्ममंथन करने की ज़रूरत। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के खिलाफ कांग्रेस लगातार आंदोलन कर ही रही है, लेकिन फिर भी ऐसी हालत क्यों है? इनके पास सभाओं में लोगों की भीड़ क्यों नहीं जुट रही है? क्यों नहीं लोग इन नेताओं को सुनने आ रहे हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत हो गई है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि देख तेरे पार्टी की हालत क्या हो गई नेता, कितनी बदल गई जनता? कांग्रेस पार्टी को इस पे आत्ममंथन करने की ज़रूरत। दर्शकों, आपके भी अपने विचार हो सकते हैं इस विषय पर, तो आप इस विषय पर जो भी सोचते हैं हमसे साझा कीजिए सोशल मीडिया। दर्शकों, इस वीडियो का मकसद किसी भी पार्टी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि यथार्थ को दिखाना है। बस मैं यही दिखाना चाहता था कि कालचक्र के आवर्तन में कभी कोई ऊपर रहता है तो वो नीचे भी आता है। आज कांग्रेस पार्टी का समय लगता है ख़राब है, कांग्रेस रसातल में चली गई है और इस स्थिति से कांग्रेस को उबरना होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, मोदी को चैलेंज देने में, मोदी को चुनौती देने में कांग्रेस पार्टी कितना सक्सेसफुल होती है ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोस्तों, आप हमारे वीडियो से सहमत असहमत कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कोई भी राय हो सकती है, आप अपनी राय सोशल मीडिया पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हम आपकी राय का सम्मान करते हैं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।